हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं और मेरे भैया, ये बड़े वाले भैया हैं, और हम चलने वाले हैं यहाँ पे पलना मार्केट में छोटी मछली लेने के लिए। और तो देखते हैं, सीजन भी चल रहा है यार, देखते हैं मछली मिलती है कि नहीं। तो आपको मछली अच्छी लगेगी नहीं, छोटी वाली आप खाएंगे तो कैसा लगेगी मछली आप? हाँ भैया, मजा आएगा भाई, दिल्ली से आया भाई मछली खाने के लिए, समझे क्या? नहीं पता, नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखते हैं यार। यहाँ थोड़ा रास्ता ज़्यादा ही कुछ ख़राब है, और इस पर चलने का भी नहीं मन करता है। गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने वाले को, और बैठने वाले को भी साथ में दिक्कत होती है। इस रास्ते पे तो आते ही नहीं जल्दी, आज निकले हैं मछली के चक्कर में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और चलेंगे, पहले छोले भटूरे खाएंगे, फिर उधर चाउमीन भी खाएंगे। वो क्या करते हैं, पुलके हमने नहीं, क्या कहते हैं उसको, कुलचे बोलते हैं। नहीं यार, पानीपुरी भाई, पानीपुरी खाने जाना है शहर में। रहते ना भाई, पक्का तुम मिस करते हो भाई पानीपुरी, क्या गजब होती है गाँव यार। देखो काफी रास्ता खराब है यार, काफी बेकार लग रहा है भाई। तो मैं आ गया हूँ, ये पन्ना वाली मार्केट है, और ये जाता है धाम के साइड, ये वाला जो रास्ता है वहाँ पे काफ़ी पूजा वूजा भी होता है। और ये रही मार्केट, ये अभी छोटी सी मार्केट है, और आगे भी मतलब बहुत ज़्यादा ही लंबा, मतलब रोड के किनारे किनारे से है। काफ़ी सामान यहाँ मिलते हैं हर किस्म के, यहाँ देखो कपड़े की दुकान तो काफ़ी भरी पड़ी हुई है। तो हम चलेंगे पहले मछली लेने, देखते हैं पहले छोटी छोटी मछली हमको मिलेगी कि नहीं। काफी आस लगा के बैठे यार, मछली खाने का मन कर दिया था पूरा तगड़े में यार नहीं मिली तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, काफी ज्यादा ही। घर पे बना बोलती है, घर पे मसाला वसाला रखो, बना कर तैयार करके। भाई वैसे मेरा मन तो टेंगना खाने का है, पर भुट्टी मिल जाएगी तो उससे भी काम चला लूंगा भाई, दोनों में से एक तो इतना चाहिए। अरे देखो काफी ट्रैफिक भी लगी हुई है, इतने काफी फंस गए यहाँ पे। यार ये अभी ट्रैफिक खुली है, देखो अब चलते हैं अब आगे, काफी जाम लगा हुआ है यार यहाँ पे। तो बाजार में पूरा एकदम रास्ते में पूरा लगा देते हैं, पूरा ठेला, जो ठेला भी लगता है ना, पानी पूरी तो कहीं आम का जूस, देखो लगा के रखे भाई। ओवरटेक ये हमने कर दिया, ओवरटेक। और गाइस तो ओवरटेक मत करना भाई, लोग काफी ज्यादा ही दिक्कत होती है भाई ओवरटेक करने में, एकदम प्रोफेशनल है मेरे भैया, प्रोफेशनल ड्राइवर है, काफी तगड़े मजा आती है। देखो काफी जगह कम है, और ये मेरे भाई साहब हैं जो बड़े वाले, काफी ज्यादा प्रोफेशनल हैं इस ड्राइविंग में, और ये देखो चला रहे हैं कैसे। उड़ा दूं क्या? बताओ तो उड़ा देता भाई। गाइस कमेंट में बताना कि उड़ा दूं तो बता देना। पहुंच गए यहाँ पे यार, ये आ गई मछली मार्केट, मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कि कौन कौन सी मछली रखे हुए हैं। यार ये तो बड़ी वाली मछली है, बड़ी वाली मछली हमें खाना नहीं है, पहले छोटी ढूंढते हैं। यार मिल तो नहीं रही है छोटी वाली मछली यार, जो मछली चाहिए हमें मिल नहीं रही यार, यार मछली तो मिल नहीं रही है मनपसंद। लग रहा है इससे काम चलाना पड़ेगा यार, ये बड़ी वाली मछली है मुझे पसंद नहीं है यार, समझ नहीं आ रहा कौन सी लूं, और कैसे बोल क्या छोटी वाली मछली लेना है। देखो भैया बैठे हुए हैं, ये भी सब बड़ी बड़ी है, काफी बड़ी है, छोटी वाली है तो पसंद ही नहीं है, वो खाने का ही नहीं मन है। देखता हूँ कौन सी मछली लेते हैं अभी भैया, यार ये वाली रंग की अच्छी लग रही है, काफ़ी तक
देखने में कितनी अच्छी लगती है। देखो मछली साफ मस्त है। अरे लग रहा बड़ी वाली मछली काम करा और हम चल रहे हैं। इधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, देखो हो रही है हमारी गाड़ी। और हम चल रहे हैं गाड़ी के पास। यार तो अब चलेंगे गोलगप्पे खोजने, जो पानी पूरी है वो काफी फेवरेट बनाता है यार हम सबका। पानी पूरी, अरे मेरे भैया भी आते हैं तो वही जाते हैं खाने के लिए पल्ला में। अब देखते हैं वो कहाँ पे लगा के रखे अंकल, काफी तगड़ा बनाते हैं यार। मौर्या चाट भंडार काफी अच्छा बनाते हैं यार। मौर्या चाट भंडार उनकी दुकान का नाम है। अरे भाई 3-4 महीने हो गए फिर भी याद है मौर्या चाट भंडार। उनके स्वाद का इनके ऊपर ज्यादा ही असर हो गया यार, काफी ज्यादा ही। मौर्या चाट भंडार यार, हम निकल गए हैं पानीपुरी की तलाश में और मौर्या भाई जी दिख नहीं रहे यार। पहले जहाँ पे दुकान लगती थी वहाँ पे दुकान है नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है भाई अब कहाँ खाएंगे। काफी अच्छा लग रहा था उनका यार स्वाद, उनके हाथ से पानी पूरी जो बनता है ना मस्त लगता है एकदम खाने में। चल रहे हैं देखते हैं, अगर मिल जाएंगे रास्ते में तो खाएंगे। यार जो आदमी दिख रहा है ना आपको वहीं पे लगता था ठेला, अब पता नहीं भाई वो दिख नहीं रहे। तो चलेंगे अब चाउमीन ही खाने के लिए, लास्ट ऑप्शन है भाई हमारे पास। यार छोटी मछली तो मिली नहीं है, चल रहे हैं घर पे, अब देखते हैं कि क्या होता है। और वहाँ पे बड़ी वाली मछली थी वही ले लिए हैं। और जिसे यार छोटी मछली तो मिली नहीं है, अब चलते हैं बड़ी वाली मछली लेके जा रहे हैं, देखो घर पे क्या होता है। सब बोलेंगे छोटी मछली पे आस लगा के रखे थे और बड़ी वाली मछली ले ली है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं उसको, सौर। जो बड़ी वाली मतलब छोटी वाली भुट्टी होती है ना वही बड़ा बड़ा होकर सौर होता है, उसी को बोलते हैं सौर। अरे पहली बार मछली ले जाकर अब खाएंगे इसको, देखते हैं कैसे बनती है ये। पहली बार उसे खाने जा रहे हैं हम। सौर बड़ा अजीब तरह से नाम है भाई इसकी। अब पता नहीं स्वाद कैसे होंगे उसको।